तो भाई आज मैं निकला हूँ पाम जुमेरा के विव के लिए। मतलब सबसे पहले मैंने पकड़ी मेट्रो, और मेट्रो के बाद पकड़ी मैंने ट्राम। और ट्राम भाई चलती है रोड पर, मतलब पटरी लगी हुई हैं, उन्हीं रोड्स पर गाड़ियाँ भी चलती हैं और उन्हीं रोड पर ट्राम भी चलती है। फिर उसके बाद आता है नंबर भाई, जो सबसे ज़बरदस्त पूरे दुबई के अंदर सबसे प्यारी चीज़ लगती है मुझे, वो है मोनोरेल। मतलब मोनोरेल तक पहुंचने के लिए हमें पैदल चलना पड़ता है, और उससे पहले आपको एक नक्शा दिखाया जाता है पाम जुमेरा का, जो 3D मॉडल है। तो भाई इसको देख के समझ में आ जाता है कि यार क्या चीज़ बनाई हुई है इन लोगों ने। मतलब ये ऑफिशियली आठो अजूबा नहीं है, लेकिन भाई ये अगर कोई आठो अजूबा होता तो भाई ये होता। तो भाई फिर हम पहुंच गए अपना मोनोरेल के स्टेशन पे, और स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम पहुंचे मोनोरेल के अंदर। मतलब भाई बड़ा ज़बरदस्त लग्जरी सा एक्सपीरियंस देती है मोनोरेल, मतलब सीट्स वगैरह भी बड़ी प्यारी, और भाई उसके अंदर से जो व्यूज दिखाई देते हैं वो आप देख ही रहे हो। मतलब यार एक नंबर चीज़ यार, मतलब बहुत ज़बरदस्त व्यूज। आप राइट देख लो यार, लेफ्ट देख लो, मतलब समंदर, बिल्डिंग्स, और आपको दिखाई देता है आने वाले टाइम का सबसे बेस्ट होटल। अभी अभी लॉन्च हुआ है, कोई सी बड़ी सिंगर ने इस पर परफॉर्मेंस की है। तो भाई ये जो मोनोरेल है, मोनोरेल आपको पहुंचाती है अटलांटिस होटल तक, जो भाई ये भी एक बहुत बड़ा फेमस होटल है। तो भाई ये भी एक बहुत ही फेमस होटल है। मतलब यहाँ जाके यार एकदम से रिच सी फील आती है। मतलब अगर तुम्हारी जिम में पैसा भी नहीं है ना, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि यार इतनी प्यारी जगह पर आने में कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं एक मिडिल क्लास गरीब आदमी को। तो भाई यहाँ पर जाके मैं अक्सर खूब इंजॉय करता हूँ। एक तरफ होता है समंदर, बड़ी दूर तक, मतलब जिस जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी वहाँ तक से समंदर दिखाई देता है, और दूसरी तरफ आपको दिखाई देता है भाई अटलांटिस होटल। मतलब आप यहाँ पर किसी भी तरफ खड़े हो जाओ और अपना फ़ोटो क्लिक करवा लो, और बैकग्राउंड में आपका बड़ा ही प्यारा नज़ारा आएगा, और आपका फ़ोटो भी बड़ा प्यारा आएगा। और यहाँ आपको हर 10 मिनट पे 15 मिनट पे हेलीकॉप्टर गुजरते हुए दिख जाएंगे, जो आपको दुबई टूर करवाते हैं। मतलब आसमान में से आपको दुबई का टूर करवाते हैं, और भाई यहाँ पर लग्जरी कार्स वगैरह ये सब। तो भाई उसके बाद मैं पहुँच गया अटलांटिस होटल के नीचे, एक मॉल है बड़ा ही प्यारा, जहाँ का वॉशरूम देख कर ही मैं फिदा हो गया। मतलब यार ऐसा वॉशरूम मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इतना लग्जरी वॉशरूम, कि शायद एक बहुत बड़े लग्जरी फ्लैट के अंदर भी ऐसा वॉशरूम ना हो। और ये जो मॉल है वो और भी ज़्यादा लग्जरी, जहाँ पर आपको दुनिया के सबसे फेमस शेफ का रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा, जो मैंने कभी शायद को डिस्कवरी वगैरह इन सब जगहों पर देखा था। तो खैर हमारा भाई टारगेट था पाम जुमेरा का व्यू, जो एक बिल्डिंग के ऊपर से, बिल्कुल सेंटर वाली बिल्डिंग में से जो ऊपर से आपको दिखाते हैं। तो भाई हम चल दिए वापस फिर से मोनोरेल में बैठने के बाद, और प्यारे नज़ारे देखते हुए, और हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन पर पहुँचते पहुँचते भाई थोड़ा अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी भाई कोई दिक्कत नहीं, हो अंधेरा कुछ भी हो, हम पहुँच गए भाई टिकट लेने के लिए। टिकट काफ़ी महंगा था, तकरीबन रुपीज़ में अगर लगाएं तो 5,000 से 6,000 रुपए का। तो टिकट लेके आप जब अंदर एंट्री करते हो, आप एक टनल से गुजरते हो, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत टनल से, जो एक्यूरियम टाइप का है। और अंदर जाने के बाद आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री और पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे कैसे बनाए पाम जुमेरा, इतना बड़ा जो ये अजूबा है दुनिया का, समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर रेत डाल डाल के जो बनाया गया है, इसकी आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। बाकी मैं आपको वाई बटन में दे दूंगा इस डॉक्यूमेंट्री की फुल वीडियो, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी आप मेरा व्लॉग इंजॉय करें। तो भाई ये है मैन मेड आइलैंड, मतलब इतना बड़ा अजूबा इंसान का बनाया हुआ, वो भी समुद्र के अंदर, जाने कितने क्यूबिक कन मीटर रेत डाल डाल के समुद्र को आटा गया। तो फिर भाई इस फिल्म के ख़त्म होने के बाद हम जाते हैं एक बड़ी प्यारी सी लिफ्ट के अंदर, जहाँ पर मैं वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ थी। और भाई हम पहुँच जाते हैं अपने डिसाइडेड डेस्टिनेशन पर, और वहाँ से जो भाई नज़ारे शुरू होते हैं भाई दिल खुश हो जाता है। मैं रात में गया भले, लेकिन भाई बड़ा ही प्यारा नज़ारा आ रहा था। शायद मेरा फ़ोन का कैमरा उन नज़ारों को नहीं उतार पाया जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मतलब भाई दिल खुश जगह, मतलब आपने जो 5,000 से 7,000 रुपये खर्च किए होते हैं वो बिल्कुल आपके वसूल हो जाते हैं। और मैंने तो भाई एक्स्ट्रा 50 दिरहम दे के और भी ऊपर टॉप पर जाने के लिए ऑलरेडी बुक कर दिया था, जिसमें मुझे एक कॉफ़ी और मिलने वाली थी वहाँ पर बैठकर। तो भाई हम पहुँचे सीढ़ियों पे, 2 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़कर तकरीबन 58 फ्लोर पर पहुँच गए, और भाई वहाँ से जो बिना गिलास के पूरा नज़ारा, पूरा व्यू दिखाई देता है, वो भाई इनक्रेडिबल है।
देखो यहाँ पर चढ़ने के बाद आपको डर तो लगता है कि आप इतनी ऊंचाई पर हो, 58 फ्लोर पर, और चारों तरफ खुला आसमान, और एक साइड में आपका पूरा पाम जुमेरा आइलैंड, और चारों तरफ आपको समंदर में बोट्स वगैरह, यॉट वगैरह, ये सब आपको तैरते हुए दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक हेलीपैड भी मिलेगा साथ में, और एक तरफ पूरा डाउनटाउन और बड़े ज़बरदस्त लाइटिंग्स वगैरह रात में। और ये उस टाइम का व्यू है जिस टाइम पर इस होटल का लॉन्च होने वाला था एक दिन बाद। तो भाई इस होटल को बड़ी तरीके से, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लेज़र लाइट से सजाया हुआ था, और बड़ी अच्छी लाइट्स इसके ऊपर चल रही थी। तो भाई दिल खुश हो गया। और बाकी भाई इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो यार मेरी मेहनत ख़राब। और अगर आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर देने और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे भाई, आपको और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं दिखाता रहूँगा।